फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि हम इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके अलावा हैड का यूज करते हैं और उसके अलावा हैज हैव का यूज करते हैं। हैज और हैव का यूज भी पास्ट के लिए होता है, हैड का यूज भी पास्ट के लिए होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज भी पास्ट के लिए होता है। अब सवाल ये आता है कि कहाँ पर हम हैज और हैव लगाते हैं, कहाँ पर हम हैड लगाते हैं और कहाँ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। हैज और हैव हम पास्ट के लिए यूज करते हैं जब काम हो चुका होता है, वर्क डन। अब जब मैं कहता हूं वर्क डन, तो उसका मतलब ये है कि काम प्रेजेंट में हो चुका है, यानी प्रेजेंट में हम पास्ट की बात कर रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हम एक ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो पास्ट में तो हुआ है लेकिन उसका प्रेजेंट से कनेक्शन है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहता हूं आई हैव डन माई वर्क, तो इसका मतलब है मैंने काम कर लिया है, पास्ट में किया है, भूतकाल की बात है, बट ये प्रेजेंट में ही हुआ है। यानी आज के दिन 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले मैंने उस काम को किया है, तो वर्क इज डन इन प्रेजेंट। अगर ये काम मैंने कल किया है लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आज से जुड़ा हुआ है, जैसे आपसे क्लास में टीचर पूछता है हैव यू डन योर वर्क, तो टीचर ने काम तो कल दिया था लेकिन आज क्योंकि वो बात कर रहा है उस काम की, आज उस काम को उसे देखना है, तो कहना चाहिए कि पास्ट का प्रेजेंट से कनेक्शन हो रहा है, इसलिए हम हैज और हैव का यूज कर रहे हैं। और जब कभी हम हैज और हैव का यूज करते हैं तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बेसलाइन ये है कि हैज और हैव का यूज या तो प्रेजेंट में पास्ट जो होता है उसके लिए होता है, या अगर पास्ट के लिए आप यूज कर रहे हैं, पास्ट के किसी असाइनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, अगर उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है तो आप हैज और हैव का यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब सवाल आता है हैड का। हैड को हम यूज करते हैं 2 कंडीशंस में। पहली कंडीशन तो यह है कि हम हैड को यूज करते हैं लॉन्ग पास्ट के लिए, यानी लंबे भूतकाल के लिए हम हैड का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की, तो हम वहां हैड का यूज कर सकते हैं, लाइक आई हैड लिव्ड देयर 30 इयर्स अगो, 30 साल पहले मैं वहां रहा करता था। हैड का यूज हम लॉन्ग पास्ट के लिए करते हैं, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है, हम हैड का यूज वहां भी करते हैं जहां हम दो एक्शंस को रेफर करते हैं। दो एक्शंस को रेफर करने का मेरा मतलब यह है, जैसे मैं कहता हूं मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था। अब यहां दो एक्शन हो गए, मेरे पहुंचने से पहले एक एक्शन और वो जा चुका था दूसरा एक्शन। इसमें जो एक्शन घटित हो चुका है पहले से ही, उसके साथ हम हेड लगाएंगे, यानी ही हैड गॉन, वो जा चुका था, ये पहले हो गया। मेरे आने से पहले अगर मैं कहता हूं तो होगा बिफोर, और यहां पर जो दूसरा एक्शन है उसके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। एक और उदाहरण देता हूं, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी पहले चली गई थी इसलिए उसके साथ हैड लगेगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले। तो जो एक्शन पहले हुआ उसके साथ हेड लगेगा और दूसरे एक्शन के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब बात आती है वर्ब के सेकंड फॉर्म की, जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं शॉर्ट पास्ट के लिए। रिमेंबर, प्रेजेंट से कोई इसका कनेक्शन नहीं है, शॉर्ट पास्ट। एग्जाम्पल होगा, मैंने कल पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर यस्टरडे। मैंने जो कल पत्र लिखा उसका आज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट पास्ट को रेफर कर रहा है। तो एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, हैज हम लगाते हैं जब प्रेजेंट पास्ट की बात करते हैं, या फिर
पास्ट की बात करते हैं जिसका प्रेजेंट से कनेक्शन है, हेड को हम लगाते हैं लॉन्ग पास्ट के लिए, या फिर हम हेड को लगाते हैं जब दो एक्शन रेफर किए जाए, पहला एक्शन जो हो जाता है पहले उसके साथ आप हेड लगाएंगे और दूसरे एक्शन के साथ आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं शॉर्ट पास्ट के लिए, याद रहे शॉर्ट पास्ट के लिए, लेकिन उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है।